नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और रिसाइकिल इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। अगर कोई भी इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में बिजनेस सीखना चाहता है और प्रैक्टिकल करना चाहता है या बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है तो मेरे संपर्क कर सकता है, मैं उसकी पूरी हेल्प कर दूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो बताइए वीडियो कैसी लगी। लोगों का सवाल था कि मेटल स्क्रैप अगर हमें इंपोर्ट करना है और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं है और ट्रेडिंग लाइसेंस हमें कैसे बनवाना है, तो उसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है। मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करना चाहते हैं और पीसीबी की उनको नॉलेज नहीं है कि पीसीबी कैसे लें, तो उसी सवाल जो था उसका मैंने जवाब इस वीडियो में दिया है। तो दोस्तों, पीसीबी का जो लाइसेंस दो टाइप का बनता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, दूसरा होता है ट्रेडिंग लाइसेंस। जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका लाइसेंस इजीली बन जाता है, लेकिन जो ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग पर्पस से अगर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इतना इजीली नहीं बनता है, काफ़ी टाइम लगता है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, पैसा खिलाने के बाद भी कभी कभार काम नहीं होता है। तो जिसको भी मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करना है, अगर ट्रेडर लाइसेंस उसको एक बार मिल जाता है तो बहुत ईजी रहता है काम करने के लिए। उसे पीसीबी लाइसेंस या स्टेट या सेंट्रल दोनों में से एक जगह पे अप्लाई करना पड़ता है। जैसे अब यूपी में है तो यूपी पीसीबी में बनेगा आपका, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, या फिर सेंट्रल में है तो सेंट्रल, अगर आप दिल्ली की साइड में तो दिल्ली में बनेगा आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर दिल्ली में है तो। इन दोनों किसी भी एक जगह पे एप्लीकेशन डाल के मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करने का लाइसेंस पीसीबी का ले सकते हैं। अब ये कैसे बनेगा, इसका एक सिंपल तरीका ये है, जिन फैक्ट्रियों को माल सप्लाई करना है आपको, उन फैक्ट्रियों से लेटर पैड पर MOA, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं, लिखवा कर ले लें। इसमें ये लिखा होगा कि फैक्ट्री वाले ये लिखकर आपको इस लेटर पे देंगे कि हमें XYZ, मतलब कोई भी कंपनी हो, XYZ हमें इंपोर्ट करके ये सप्लाई माल हमें करेंगे, इतनी क्वान्टिटी इतने टाइम के लिए। ये सब चीज़ें वो लेटर पैड पर लिख के दे देंगे, तो आप ये लेटर पैड को ले जाके पीसीबी बोर्ड में जमा करेंगे तो उसके बिहाफ पे आपको पीसीबी लाइसेंस मिल जाएगा इजीली। एक तरीका ये है। और फिर दूसरा तरीका, तो बहुत सारे तरीके ये हैं कि भाई साहब पैसा खिला पिला के उस, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करना है, वो सारा सिस्टम वो अपने हिसाब से सब बना लेते हैं, एक तरीका ये भी है। लेकिन जो लीगल तरीका है वो यही है कि आपको जिस फैक्ट्री को स्क्रैप बेचना है उस फैक्ट्री से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखवा लें लेटर पैड पे और उसको जाके जमा कर दें, और पीसीबी का अप्लाई करके आप वहाँ से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का NOC ले लें आराम से। तो यही तरीका है जो आप इजीली आप कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ ये होती है, अगर आपकी सरकारी डिपार्टमेंट में जान पहचान नहीं है तो आपको बहुत टाइम लगेगा बनवाने में, काफ़ी भागदौड़ होगा, क्योंकि इसका जो एक प्रोसीजर है वो बहुत लंबा चौड़ा है, हर कोई इसको पूरी नहीं कर सकता, इसलिए लोग हथियार डाल देते हैं बीच में, छोड़ देते हैं, हमें नहीं बनवाना, हम नॉर्मल डोमेस्टिक में कर लेंगे। तो जिसकी जान पहचान है वो तो ईजिली बनवा लेता है, जिसकी जान पहचान नहीं है वो भागदौड़ करता रहता है और कुछ टाइम पर थक के बैठ जाता है। अब ये हर स्टेट की इसकी अलग अलग फ़ीस होती है। एक फ़ीस होती है जो आपको लीगल तौर पे देनी पड़ती है, जैसे 12,000 होता है, जैसे यूपी का 12,000 है, 20,000 है। अब ये डिपेंड करता है कि किस काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ई वेस्ट के लिए कर रहे हैं, बैटरी के लिए कर रहे हैं, आयरन के लिए कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, उस हिसाब से फ़ीस लगती है और कितनी क्वान्टिटी के लिए। और इसमें क्वान्टिटी निर्धारित होती है कि आप एक साल में कितनी क्वान्टिटी को आप रिसाइकिल करेंगे, जितनी आप रिसाइकिल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए बताता हूँ, तो अगर आपको पीसी वालों ने बोला है कि आपका 1000 मेट्रिक टन पर एनम आप स्क्रैप खरीद सकते हैं, तो आपको एक बुकलेट मिलेगी, उसको मेंटेन करना पड़ता है। आपने अगर 500 टन खरीद लिया है तो उसमें 500 टन चढ़ जाएगा। अब जैसे ही आपका 1000 टन हो जाएगा तो 1000 टन के बाद आप खरीद नहीं सकते हो, फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, दोबारा उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर जाके आप दोबारा स्क्रैप खरीद सकते हो। और ये जो एक बार पीसीबी लाइसेंस बनता है ये हर 3 साल में रिन्यू कराना पड़ता है, 3 साल के लिए वैलिड होता है, और महाराष्ट्र में 2 साल के लिए, गुजरात में 1 साल के लिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के बनते हैं। और जिसका जैसे सिस्टम बन जाए, पीसीबी का सिस्टम बहुत सीधा साधा है, जिसकी सेटिंग है वही काम करा सकता है। तो दोस्तों मैंने इसमें सब कुछ क्लियर बता दिया, और मेरा एक ही रहता है कि मैं जो भी बात बोलता हूँ बिल्कुल साफ सुथरी बोलता हूँ, क्योंकि आपको अगर मैं घुमा फिरा के बात करूँगा तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, अगर सीधी सीधी बात करूँगा जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि एक तरफ का सिस्टम बोलता है कि ये सब एक नंबर में काम हो रहा है, लेकिन जब आप ओरिजिनली जब आप डिपार्टमेंट्स में जाते हैं वहाँ पे ये आपको फेस करना पड़ता है। इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपका माइंडसेट रहे, जब भी आप वहाँ जाएँ तो आपके दिमाग में रहेगा कि भाई देना ही देना है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई ईमानदार टाइप के होते हैं, वो सोचते हैं कि हम एक नंबर में बनवा लें, तो भाई बेचारे इतने घूमते फिरते रहते हैं तो भी काम नहीं बनता उनका। तो इसलिए माइंडसेट करके जाएं कि अगर आप
दे पाओगे तो ही बन पाएगा, नहीं तो आपको पूरा एक साइट प्लान जो मैंने से एक वीडियो और बनाया उसमें पूरा मैंने डॉक्यूमेंटेशन बताया है, ठीक है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है एक नंबर में। तो उसमें मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, अब जिसमें आपको ठीक लगे वो आप जाके अपनी सेटिंग से काम करवा लीजिए। और दोस्तों जो चीज़ मैं इसमें बताता हूँ वो मैं अपने प्रैक्टिकली तौर से जो देखा होता है समझा होता है उसी तौर पे मैं बनाता हूँ वीडियो को, किसी के कहने और सुनने पे मैं नहीं बनाता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस होता है उसको मैं शेयर करता हूँ अपने वीडियोज़ में। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करने के लिए पीसीबी बोर्ड लाइसेंस को कैसे आप एक नंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं, दो नंबर में भी कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको देखना है कि कैसे काम करना है। मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर इसमें कोई हेल्प चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम है, यूपी पीसीबी का अगर बनवाना हो तो मेरे पास आ सकता है, मैं उसकी पूरी हेल्प कर दूंगा। अगर कोई मेटल स्क्रैप बिजनेस सीखना चाहता हो, करना चाहता हो, या मैं से ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ मेटल स्क्रैप बिजनेस की, इंटरनेशनली डोमेस्टिक दोनों में, वो मेरे पास आ सकता है, मैं अपने कंसल्टेंसी के थ्रू उसको पूरी ट्रेनिंग दूंगा और उसका बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करूंगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर जो बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, अपना कितनी समय देने के लिए, नमस्कार।